ये बताओ कि आजकल तुम्हारा क्या शोर है? शाह साहब, जमींदार का क्या मुश्किल हो सकता है? वही जमीन, जमींदारी, जागीर के झगड़े, कोर्ट कचहरी, बस मुश्तों से यहाँ पल रहे हैं। एक दूसरे को हम जानते हैं, पहचानते हैं। बड़े खानदानों के महल और गुंबद जो हैं वो सात कोस पहले ही नजर आ जाते हैं। और बेटा, सच तो ये है कि हम चंद खानदान ही रह गए आला नसीब वाले इस पूरे खत्ते में। हमारा रिश्ता आपस में करना बनता है, बेशक। और बेटा, एक बात याद रखना, आला खून में मिलावट हो जाए ना तो सात पुश्तों को भुगतना पड़ता है। बाबा साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं सिकंदर भा। हमारे इर्द गिर्द जितने भी बेजोड़ रिश्ते तय हुए, जिसमें लड़का या लड़की कम जात के या कम ओहदे के थे, वो सारे के सारे फैसले गलत साबित हुए। इसलिए हम खानदान वालों को पूरी कोशिश करनी है कि हमारे दरमियान कोई कम जात या बाहर का फर्ज शामिल ना हो, ताकि हमारे आला खून में मिलावट ना हो सके, मिलावट ना हो सके। सही कह रहे हैं आप, लेकिन आजकल की नई नस्ल कहाँ ध्यान देती है माता पर। हाँ, ये तो है। तभी तो ये हाल है, ना कमीन का पता लगता है ना मकीन। असल और नकल की पहचान ही खत्म हो गई। हाकिम का ठाट पाट कुछ और होता है, रह कर रहन सहन कुछ और।